आना फिरेगा ना तुम। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपना पंचन के सबके स्वागत करी थे। आज हम पांचे मौजूद हैं रीवा जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घिनौची धाम में। पूर टीम 3-5 यहाँ मौजूद है भाई। बिंद कब दरबार के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हमा आई। हम अपना पंचन का धीरे धीरे रूबरू आई थे बहुत दिन बाद, जब से लॉकडाउन लाग कोरोना वायरस का कहते आबाव के बाद से सबको एकत्रित नहीं हो पावत रहे। घिनौची धाम बहुत प्रसिद्ध का कहते भाई पर्यटन स्थल आए लगातार तमाम लोग जे जाना थमा वो पहले से जाना रहा। इको पर्यटन में जुड़ चुका है भाई, तमाम प्रकार से श्रद्धा यहाँ पर पर्यटक आबत जाते माँ और बहुत ही मनोरक यहाँ का दृश्य है। आप तस्वीरों में भी बिल्कुल देख सकते हैं हमारे चारों तरफ तमाम लोग जो आ रहे हैं पेज में जुड़ रहे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है। देखते हैं पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है ये सब लोग धीरे धीरे। अब यहाँ पर लखन भाई आपसे चर्चा करेंगे, सबसे पहले जुड़ रहे हैं। बहुत ही मेहनत किया है इन्होंने इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। घिनौची धाम के निर्माण में लगातार इनका बहुत ही विशेष योगदान रहा है। पहले सबका अलग अलग मुंह दिखा दो उसके बाद मुंह। नीरज निर्मोही जी, ये नीरज निर्मोही के बहुत ही सौर्य कवि है, हमारे धरोहर है, इनको हम लोग इसी तरह संरक्षित करेंगे। इधर हमारे रहीस मिस्टर रहीस जी है, शिक्षक है और इनका योगदान यही है कि 100 में 100 बच्चे हम लोगों के बच्चे इन्हीं से पढ़ेंगे। ये अमित शुक्ला जी हैं और इनके बारे में ये इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। संयोजक इसलिए भी हैं कि भाभी जी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और हास्य के बहुत बड़े उस्ताद हैं पूरे देश में। ये आशीष तिवारी निर्मल जी हैं, इनका परिचय मैं इतना ही बताता हूँ कि ये देश विदेश के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में इनके पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। ये अलग बात है, जहाँ छपते हैं वहाँ अखबार बंद हो जाते हैं। लाल गांव की धरती से हैं, केवटी के बगल से हैं और इनके पीछे बिंद पुत्र ललित पांडे जी बैठे हुए हैं अपने पूरा पार्थिव शरीर लेकर। इधर कामता माकन जी है, चश्मा लगाए हैं, कामता की तरफ नहीं कर रहा है। ये आ गए, कैमरा लिए हैं, इसका मतलब ये आप सबके बीच उसी तरह उपस्थित हो रहे हैं जिस तरह की ये हैं। उधर अलबेला जी ऊपर की तरफ है, सलामी दे रहे हैं नेताओं की तरह। और इधर हेमंत भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे युवा कवि हैं, बहुत अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ हैं। कोई छूट गया हो तो आप खुद भी हैं। मैं खुद भी हूँ, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए। आज हम लोग आए हैं पावन घिनौची धाम, जिसे हम पियावन धाम के नाम से जानते हैं। और ये कहानी लगभग 2013 से जुड़ी हुई है। सर्वे सोनी पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले युवा को हम सब बिल्कुल बखूबी याद करते हैं और उनकी तपस्या का ये प्रतिफल है कि आज रीमा में इतना बड़ा ये सौंदर्य का एक केंद्र बना हुआ है। हम सब उन्हें उनकी तपस्या को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इसका लोकार्पण अभी 2019 में हुआ था और इसमें बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 200 फीट नीचे एक झरना बना हुआ है। झरने के साथ साथ यहाँ प्राकृतिक सौंदरता और तमाम तरह के पौधे दिखाते भी हैं। नहीं पकड़ेगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे ना, तब बहुत हरबड़ी आ जाती है। कुछ कामों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये अमित भाई बहुत जल्दी है पढ़ते हैं हमारे, बहुत जल्दी है पढ़ते हैं क्योंकि ये अमित भाई कुछ कहेंगे। ये संचालक भी हैं और इसका कार्यक्रम के संयोजक हैं। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। लॉकडाउन जिस तरह से 5-6 महीने के बाद कोरोना काल में हम सब थोड़ा सा अकेले रहते एक तरीके से बोर से हो गए थे और लगातार लाइव आ रहा था लेकिन आप सिर्फ कविताएं ही सुन रहे थे। इस बार पूरे डर खत्म करके हम लोग एक साथ मिलने का प्लान किए हैं और गेट टुगेदर बिल्कुल हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और हम लोगों ने इसीलिए कहीं बाहर का पर्यटन स्थल न चुन करके अपने जिले अपनी माटी का पर्यटन स्थल, बहुत मेहनत लगी है इस काम में, बड़ी बात है। और ये पूरी टीम आज एक एक शख्स जो यहाँ पर है जिसको आप सब एक एक लोग सुनते हैं वो आज सब एक साथ जुड़ करके आपको निश्चित रूप से भी आनंद आएगा, आप पर्यटन स्थल का आनंद लेंगे और भी लोगों से रूबरू कराएंगे। दो शब्द निर्मल जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने बेशक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज अमित भाई ने जो ये पूरा संयोजन किया कि हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए। और घिनौची में पहली बार यहाँ पर आया हूँ लेकिन जो यहाँ का मनोरम दृश्य है, मनोहारी, ये मन को मोह लेने वाला है। और जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं 3-5 के माध्यम से, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप कहीं बाहर जाने का टूर प्लान अगर कर रहे हैं लॉकडाउन में या कहीं, तो आप घिनौची क्यूटी बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा, अपने बिंद में भ्रमण कर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए,
अब हम कामता माखन जी की ओर जा रहे हैं। नहीं जा नहीं रहे हो ये हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, हम सिर्फ इतना कहा चाहिए थे कि अमित भैया फोन लगाई न कहीं के भाभी कहती है ही। अब बहुत दिन हो गया यही पड़े पड़े तो चली जावे तक नहीं जा रहे तो चले जा नहीं घरे के घिनौची बैठ है घिनौची धाम नहीं जा रहे इतने वही निर्मल भाई हमार कहीं वही तो हमारा दुकाना हुआ तो हम लोग पहुंच गए हैं। आज भी दोनों पत्तल वही लाए, दोनों पत्तल वही लाए हैं। अब ये अलग बात है कि उसका कुछ उपयोग अभी शेष है, उसका उपयोग अभी शेष है। कुछ लोग मेरे पीछे जो हैं वो विशेष और विशेष नीरज नीरज भाई की तरफ आ गए। ये तो अब शेष है। ये आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नहीं दिख रहा। और ये सभी लोग बोल चुके हैं, अब क्या बोले, हम इनके साथ में ही घूमने आए हैं घिनौची धाम। और हम लोग घूमेंगे भी बहुत सारा, घूमेंगे बहुत सारे जगह जाएंगे, जाएंगे। जहाँ जहाँ ये लोग ले जाएंगे अमित भैया और लखन भैया। देश के लिए, देश के लिए खून देते देते ये कविता पढ़ रहे थे और उसी खून के रंग का टी शर्ट पहन के आए चल रहे हैं वरिष्ठ कवियों की ओर। ये भूपधर अलबेला जी आ चुके हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। नमस्कार सभी को, राम राम। मैं इस आज की यात्रा के विषय में सबने बता दिया, बस आज बहुत दिनों बाद हम सब बिल्कुल बहुत दिनों बाद आप घर से आज्ञा लेकर बिल्कुल बिल्कुल घर से आज्ञा लेकर के और हम सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत दिनों बाद ये कवियों का संगम हुआ है। और मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो विंध्य है, ये रीवा का ये जो घाटी क्षेत्र है, लगभग उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से जो लगा हुआ क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र, ये जुलाई के महीने से दिसंबर महीने तक तो किसी को निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। और हम लोगों को कुल्लू मनाली जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, कुल्लू मनाली हम लोगों का यहीं पर है, रीवा में ही है। ये अलग बात है कि लोग ना जानते हों, और हालांकि अब बहुत कुछ लोग जानने लगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत दूर दराज के लोग भी आने भी लगे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा यह रीवा हम सबके लिए गौरव। भारत माता की जय। और ये अब हम आ रहे हैं, विंध्य पुत्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, ललित पांडे भैया, दो शब्द मैं आपसे भी चाहूंगा। हम लोग अपने विंध्य के क्षेत्र में इतने खूबसूरत स्थानों को छोड़कर बाहर विचरण करते रहते हैं, तो हमारा सबसे अनुग्रह यही है और जनप्रतिनिधियों से भी अनुग्रह यही है कि हमारे पर्यटन स्थलों को आप लोग ध्यान दें और इसको विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों का जो नाजायज पैसा खर्च होता है हर जगह पर वो यहीं पर लगे और पर्यटन की बहुत सारी संभावनाओं का लोग लाभ ले सकें और सभी लोग एकजुट होकर के इसके विषय में एक दूसरे को इसकी जानकारी दें और सभी लोग लुफ्त उठाएं। तो आप अब आगे की यात्रा शुरू हो रही है। सभी ने कुछ कहा है तो विकास भी कुछ कहेंगे अब। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग तमाम लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे की तमाम यात्रा आपसे साझा करते रहेंगे जहाँ तक नेटवर्क चलेगा। और ये अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है, इसी को चलिए हम सब लगातार अब आगे की ओर चल रहे हैं, झरने की ओर। और ये सफर जो है अब हम रहे हैं, और ये पूरी टीम जो है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है जी। तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सरदार शिवा त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। करुण सिंधु परोहा संदीप जी दिखाई गई नौसी धाम झरना दिखाएंगे आपको। और ये हम आप आगे निकल जाए, लगभग पहुंच चुके हैं और हम झरने के समीप ही पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी आपको झरना देखने को मिलेगा। और ये भी आ जाए रिपोर्टिंग करते। अब चलो, हाँ हेमंत हेमंत शिव मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
रजनीश मिश्रा जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब वो झरना जो है वो बहुत ही करीब है, हम झरने के पास पहुंचने वाले हैं। जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय। कहीं बजरंगबली आइए तो और ये बजरंगबली का मंदिर भी है यहाँ पर। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जिस पल का इंतजार था, जिस मनोरम दृश्य को हम आपको दिखाने वाले थे, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस झरना के समीप पहुंच चुके हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो इस वक्त हिनौती धाम की हैं और ये झरना है और देख सकते हैं कितना मनोरम है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप ये जो पूरी प्रकृति का अनुपम और अनोखा दृश्य है। यहाँ पर एक विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के दृष्टि से आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम इंतजाम किए गए हैं, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि तमाम पर्यटक यहाँ पर आते जाते रहते हैं, छोटे बच्चे से लेकर तमाम उम्र के, उन तमाम लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर ये तमाम। और नहीं तो अब फिर से एक बार मैं जोड़ रहा हूँ आप लोगों को, हमारे बीच उमेश मिस लखन भैया हैं, अब आपको यहाँ का परिचय देंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। जितने भी पर्यटक आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मित्र आते हैं, उनसे बस इतना ही निवेदन है, यहाँ आकर के किसी भी तरह का अव्यवस्था न फैलाएं, किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना करें, किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान। कुछ दिनों पहले कुछ लोग पर्यटक आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ विभिन्न तरह की गतिविधियाँ करते हैं और इस राष्ट्रीय संपदा का नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप सब समझ लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ का नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार उसका जो हम अपनी सुंदरता को घटाते हैं, इसलिए सबसे निवेदन है कि जो हमारी सुंदरता है, जो हमारा गौरव है, उसको हम नुकसान ना पहुंचाएं और सुरक्षित रखें, सजाएं और उसे बेहतर बनाएं, जिससे कि पूरा देश हमारे इस संसाधन को, हमारे सुंदरता को माने और हमारे राजस्व स्थापित हो सके। पर्यटन निश्चित रूप से रोजगार का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ बाहर से आता है, उसको विभिन्न प्रकार के चीज़ों की जरूरत होती है, हमारे यहाँ की जो कला संस्कृति है उसका भी गौरव बढ़ता है। तो ये हम सब पर्यटन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों आए चलिए बहुत बहुत एक बार मैं जाऊँगा, चाहूँगा कि एक बार पूरा दिखा कर झरना दिखाइए विकास जी, ये खूबसूरत मनोरम दृश्य। ये देख सकते हैं आप जो झरना है वो काफी मनोरम दृश्य है। यहाँ पर पानी जो है हर एक मौसम में, कोई भी मौसम हो, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर एक मौसम में पानी लगातार इसी तरीके से यहाँ से ऊपर से नीचे तक भरता रहता है। और अब हम आगे चल रहे हैं और हाँ इसी और ये तमाम यहाँ पर लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं और अब हम आगे चल रहे हैं, झरने के करीब चल रहे हैं और मौसम जो है काफी सुहाना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिसलन भी काफी ज्यादा है, हरी सहवाल जो है यहाँ पर, ये भगवान शिव भी यहाँ पर हैं, जिनकी मूर्ति आप तस्वीरों में देख रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो पानी ऊपर से आता है, ये सीधे भगवान शिव की जो ये मूर्ति है जाके वहाँ पर गिरता है और ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है, इसके बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ भी हैं
और यहाँ पर अद्भुत शिल्प का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पत्थर हैं, किस तरीके से यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, और शिल्प जो है यहाँ का वो काफ़ी अच्छा है। और हम आपको फिर से जोड़ेंगे, और तब तक के लिए अभी आप तमाम लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।